नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप मेटा में कोई भी कैंपेन रन करने स्टार्ट करते हैं और जिस सर्विस का कॉस्ट हायर हो या फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट हायर हो, तो उसमें आपको डायरेक्ट सेल्स या डायरेक्ट लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो कब इनिशिएट करना चाहिए। बहुत सारे एडवर्टाइजर होते हैं जो स्टार्टिंग में ही लीड जनरेशन से डायरेक्टली स्टार्टिंग करते हैं और अंत में उन्हें रिजल्ट ये मिलता है कि लीड तो मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, लोग आपके सर्विसेज को बाय नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हैं। तो क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए? देखिए, एक जो फनल बताया गया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या जनरली मार्केटिंग के अंदर जो यूज होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का अवेयरनेस कैंपेन जरूर चलाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, मेटा एड में कैसे वो वर्क करता है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं सेम ऑडियंस को रख करके, सेम बजट को डिसाइड करके, तो आप देखिए कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव में जो रीच होती है ना आपकी, वो हायर होती है और कहीं कहीं पे लोवेस्ट होती है। सेम अमाउंट में आपको अवेयरनेस वाले कैंपेन में हायर मिल रहा है और सेम अमाउंट में आपको लीड या सेल्स वाले कैंपेन में लोअर मिल रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाते हैं तो एक मास ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं लोवेस्ट कॉस्ट में। ठीक है, और जब भी आप अपने कैंपेन की स्टार्टिंग करें तो विदाउट पिक्सल इंटीग्रेशन आप कैंपेन को स्टार्ट ना करें। आप अपनी वेबसाइट में अपने पिक्सल को इंटीग्रेट करें और उससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा ऑडियंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब आपने देखा कि लगभग आपका जो भी टारगेटेड एरियाज है उसमें जितने भी आप पॉपुलेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू उतने पॉपुलेशन को जब आपने टारगेट कर लिया, सपोज कि कोई एक लोकेशन है जहाँ पे मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, 5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है उस लोकेशन का, ठीक है, तो जब हमने देखा कि हमारा जो अवेयरनेस कैंपेन है वो 5000 लोगों तक रीच हो चुका है, इंप्रेशंस मिल रहे हैं अच्छे खासे वहाँ से हमें, तो फिर उन्हीं ऑडियंस को यूज करके हम लोग कस्टम ऑडियंस बना करके अपने जो सेल्स वाले कैंपेन है उसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आपका ऐड चलना शुरू होगा सेल्स का या फिर लीड जनरेशन का, तो वो ऐड आपके ब्रांड का फर्स्ट टाइम वो लोग नहीं देख रहे होंगे, ऑलरेडी उनके 2-3 इंप्रेशंस हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो 2 बार भी देख चुके हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं जो 1 बार देखा है, बहुत हैं जो 3 बार भी देख चुके हैं, तो उनके इंप्रेशंस ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो ऑलरेडी आपके ब्रांड से अवेयर हो चुके हैं। तो जब वो सेकंड टाइम आपके लीड या सेल्स कैंपेन को देखेंगे तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छे लीड्स मिलेंगे हमें और उनका एक विश्वास बन जाता है, आपकी जो ब्रांड है उसकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई होती है उनके सामने, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाती है उस यूजर के सामने। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप कोई मेटा कैंपेन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप पिक्सल को इंटीग्रेट करें, अवेयरनेस का कैंपेन चलाएं, उसके बाद फिर लीड्स या सेल्स के लिए चलाएं, या फिर अगर आपने 1-2 दिन पहले अवेयरनेस का चला दिया तो फिर फॉलोइंग उसके बाद आप लीड्स और सेल्स का भी कैंपेन चला सकते हैं। जब आप इस तरह से फॉलो करके चलेंगे तो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा, खास करके ई कॉमर्स में तो आपको बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। और इवन कि हमने काफ़ी सारे अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन के में इस वाले टर्मिनोलॉजी को यूज किया है, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि सबसे पहले आप अवेयर करिए अपने ऑडियंस को, जब उनकी एड फ्रिक्वेंसी 2 के आसपास हो जाए तब फिर दोबारा आप सेल्स वगैरह का या फिर लीड वगैरह का कैंपेन चलाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स।